आज मैं गदर 2 की एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एंड में क्या होता है। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। गदर 2 में जब फाइट आती है और जिस जीते को पकड़ लेते वही पर्सन ही देओल आ जाते और वही किसी तरह वहाँ से छुड़ा के जैसे ही भागते तो सारे लोगों को इकबाल खान उन्हें मारने का ऑर्डर देता है और सारे लोग उन पे उमट पड़ते। कहीं ना कहीं दोनों बच जाते क्योंकि सनी देओल का गदर मोड ऑन था तो वो सब पे भारी पड़ रहे थे। वन मैन आर्मी अकेला पूरी पाकिस्तान की आर्मी पे भारी पड़ रहा था। अगर आप हिंदुस्तान से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जीते को भी काफी लोग घेर लेते, जीता किसी तरह बच जाते लेकिन वो सनी देओल से भी अलग चाहता है। वहीं पर मुस्कान पीते और उसके पापा तारा सिंह को घर छोड़ने का मन बनाते और एक खुफिया रास्ता से घर जाने के लिए उन्हें भेज देते, लेकिन कहीं ना कहीं इकबाल खान को इस बात की भनक लग चुकी थी और फिर से वो उन्हें पकड़ देती और सनी देओल को पकड़ के कहते कि तुम बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। और वहीं पर सनी देओल चिल्ला पड़ता है, हाँ इस बार आपको लगेगा कि ओवर एक्टिंग, लेकिन तारा सिंह कहता है कि हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद है। अगर तुम सारे पाकिस्तान वाले मिलके भी कहेंगे हिंदुस्तान मुर्दाबाद तो ये बात पाकिस्तान की सरहद तक भी नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर हिंदुस्तान ने एक साथ मिलके कह दिया हिंदुस्तान जिंदाबाद तो तुम्हारा पाकिस्तान फट जाएगा। और उस बात से काफ़ी नाराज़ होता था इकबाल खान और मारने का जैसे ही कहता है फिर से तारा सिंह गदर मोड में आ जाते और सबको पूरी तरह पीटने लगते। वहीं पर एक टैंक में बैठ के सब हिंदुस्तान की तरफ भागने लगते। वही एक रनिंग फाइट होती जिसमें कि पाकिस्तान के टैंक और हिंदुस्तान का रासी पाकिस्तान का टैंक लेके ही भाग रहा था और उनका पीछा कर रहे थे। तो हुई टैंक से तोप चल रही थी और एक खतरनाक फाइट थी। अकेला सनी देओल था और उस तरफ पूरी पाकिस्तान की सेना, फिर भी हमारा तारा सिंह पूरी पाकिस्तानी की सेना पे भारी पड़ रहा था। अकेला तारा सिंह पाकिस्तान की टैंक लेके उनको पेल रहा था। यही तो हिंदुस्तान की पावर। अगर आप हिंदुस्तान से हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तारा सिंह उनको इस फाइट में इस तरह उलझा रहते हैं कि वो पीछा करते रहते और तारा सिंह पीछा करवाते करवाते उनका सामना करते करते हिंदुस्तान की बॉर्डर पार कर देते और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ जाते टैंक लेके। और पाकिस्तानी जवानों को यह नहीं पता था कि वो हिंदुस्तान में आ चुके हैं और इकबाल खान भी इसी पीछे पीछे हिंदुस्तान आ जाता है, लेकिन अब वो चाहकर भी उन दोनों का कुछ नहीं बिगड़ सकता था क्योंकि वो हिंदुस्तान में था। वही मेजर रावत कहते हैं कि अब तुम्हें हम कुछ नहीं कहेंगे, जो कहेंगे तारा सिंह कहेगा। और तारा सिंह उसको काफ़ी देर तक गीता और कुरान के बारे में समझाता है और एक लंबी स्पीच देता है, लेकिन उसके बाद फिर से कहता है कि तुम इन गीता और कुरान में से क्या चुनोगी। वहीं पर इकबाल खान कहता है गीता और वहीं पर फिर से सनी देओल भड़क जाते और कहते तुम चाहते तो दोनों को चुन सकते हो, यही बात कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, और उसे जिंदा छोड़ के वापस लौटने लगता है। वहीं पर इकबाल खान पीछे से गोलियां चलाने की कोशिश करता है, वही हिंदुस्तान के जवान इकबाल खान को छल्ली छन्नी कर देता है। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है। और अगर इस मूवी में देखा जाए तो शायद कोई कुछ ही ऐसी फिल्म होते जो कि ओरिजिनल और उनके सीक्वल होते दोनों बराबर कर पाते, लेकिन इस मूवी को ओरिजिनल को भी काफ़ी प्यार मिला था और इस मूवी को भी काफ़ी प्यार मिला। जो इस मूवी के थिएटर उनको पार्किंग वाले भी लखपति हो गए, इतना तो शायद हम भी नहीं कमाते। इस मूवी में जो पुरानी कहानी थी उससे नई कहानी भी काफ़ी रिलेट करती और लास्ट में सनी देओल एक हिंट भी देते हैं कि इसके बाद एक और इसका सीक्वल आ सकता है, यानी कि गदर 3 भी आ सकती। उस मूवी में बात करें एक्टर की तो सभी एक्टर को अच्छा खासा रोल मिला और सभी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। इसमें अमरीश पुरी को हमने काफ़ी मिस किया क्योंकि उन्हें हम अब खो चुके, वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इस मूवी में गाने आते हैं वो भी मतलब नए तरीके से अपडेट की, गाने वही पुराने लेकिन कुछ नया करने की कोशिश की, थोड़े बहुत अपडेट किए। इसी के साथ मुस्कान और जीते की लव स्टोरी भी चलती रहती है। शायद हो सकता है कि गदर 3 में मुस्कान और जीते की लव स्टोरी को दिखाया जाए। अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो और जल्दी से मेरे चैनल पर 1K कम्प्लीट करवा दो।